जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद दोस्त आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसको जानेंगे कि भी ये क्या होता है और इसकी गणना भी करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर आप अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर में हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड एक्सेलेंस रिसर्च सेकेंड पेपर में ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है। दोस्तों, माध्य जैसे आप समझते हैं इसको हम एवरेज कहते हैं, यानी कि औसत कहते हैं। तो कोई गणना हो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कुछ गेस्ट आए हैं, दीदी आई हैं, बुआ जी आई हैं, मामी आई हैं, ये सारे लोग आए हैं, उन्होंने आपको कुछ पैसे दिए, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 200 रुपये दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने इस तरीके से आपको पैसे दिए। तो आपको टोटल पैसे जितने मिले हैं और जितने लोग हैं उसमें से डिवाइड करने के बाद आपको ये पता होगा कि औसतन लगभग एक आदमी ने कितना दिया, औसत एक आदमी ने कितना दिया। तो एवरेज, तो ये जो माध्य है दोस्तों, वास्तव में वही बीच का अमाउंट होता है, वही जो बीच का अंक होता है, औसत जो होता है उसी को हम माध्य कहते हैं। हाँ भाई, जो संख्या का औसत होता है उसी की गणना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, सभी संख्याओं को जोड़ें फिर जितनी संख्या है उससे विभाजित करें। दूसरों शब्दों में यह गिनती द्वारा विभाजित योग्य है। अब इसको ज़रा समझिए कि कैलकुलेशन करेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जितने भी डेटा, आपके जितने भी आंकड़े, जितने पैसे आपके रहे हों, किसी ने आपको 50 रुपये दिए, किसी ने आपको 100 रुपये दिए, किसी ने आपको 80 रुपये दिए, ठीक है। अब कितने लोगों ने दिए, 3 लोगों ने दिए, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे आपका माध्य यानी कि मीन निकल कर आ जाएगा। तो हम साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी देखते चलेंगे। अब जैसे हमारे पास ये एक आंकड़ा दिया गया है, अब हमसे ये कह रहा है कि इसकी माध्य निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, बहुलक निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो वन बाय वन चलेंगे। माध्य अगर इसकी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पे 13 लिख देते हैं, 13 + 19 + 13 + 14 + 16 + 14 + 13 + 20। जितने भी हमारे पास आंकड़े दिए गए थे हमने सबको क्या कर लिया, लिख लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, मतलब कितने हमारे पास लोग हैं पैसे देने वाले, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 लोग हैं। कितने लोगों ने, 8 लोग हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने जब सबको जोड़ा और 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास अंक आया 15.25, मतलब ये हमारा जो हो गया वो माध्य निकल के आ गया, ये हमारा मीन निकल के आ गया। एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मीन आपका निकलेगा वो इस अंक में हो, इस अंक में हो भी सकता है और इसमें नहीं भी हो सकता है। तो ये जो 15.25 निकला है, 15.25, वो आपका माध्य हो गया, मीन हो गया, इसकी संख्या में नहीं दिया गया, ये औसत आप गणना, ये तो बड़ा ही आसान है। बहुलक मतलब किसी भी आंकड़े में, किसी भी डेटा में जो अधिक बार आया है उसे हम बहुलक कहते हैं, अर्थात वह संख्या जो सबसे अधिक बार आती है उसे हम बहुलक कहते हैं। अब इसी डेटा में अगर आप देखेंगे तो 13 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार 13 आया है, 2 बार 14 1 बार, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, तो 13। तो इस डेटा का बहुलक क्या हो जाएगा, इस डेटा का बहुलक हो जाएगा 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। एक और सवाल देख लीजिए, रेंज, अगर रेंज भी पूछ देता है, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन यहाँ पे रेंज पूछ दे कि रेंज क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी बुआ जी ने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, और आपकी दीदी ने, दीदी तो बढ़ के ही देती हैं ज़्यादातर, तो दीदी ने आपको 500 रुपये दिए, फिर बीच के जो गेस्ट थे किसी ने 200 दिए, किसी ने 250 दिए, किसी ने 150 दिए, तो आपको किस रेंज में मिला। तो सबसे ज़्यादा जो मिला था आपको इस डेटा में, देखिए सबसे ज़्यादा 20 है और सबसे कम क्या है, सबसे कम है 13। तो इसको आपस में माइनस कर देंगे तो 7, आपका रेंज क्या निकल के आ जाएगा, 7, ओके। चलिए, अच्छा पैसे तो यार बचपन में ही मिलते थे, अब तो खास तौर पे हम लोगों को जिसने जॉब स्टार्ट कर दिया उससे तो पैसे मिलने ही बंद हो जाते। आपको सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलते थे, कौन से गेस्ट से मिलते थे, अगर हो सके तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उन तक भेज दूंगा कि आपको मिस कर रहे हैं, अभी भी आप पैसे देते। तो ये हो गई बात रेंज। रेंज का मतलब दोस्तों उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, तो ये हमारी रेंज की बात हो गई। चलिए, रेंज मतलब किसी डेटा में सबसे अधिक वैल्यू और सबसे कम वैल्यू के बीच के अंतर को रेंज कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में, तो बताइए कि कहाँ से आपको ज़्यादा सबसे पैसे मिलते थे। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे मीन मीडियन। अब जो मीन मीडियन हमने निकाला था तो वो नॉर्मल फॉर्म में था, अब ये टेबुलर फॉर्म में, जैसे टेबुलर फॉर्म में दे दिया, क्लास इंटरवल में दे दिया, वर्गंतराल में दे दिया, तो अब इसकी कैसे कैलकुलेशन करेंगे। मीन का मतलब माध्य, अगर केवल ये हमें संख्या दी होती तो हम क्या करते,
सबको आपस में जोड़ के और जितनी संख्याएं थी उससे हम भाग देते थे, हमारा क्या निकल जाता, माध्य निकल के आ जाता। लेकिन हमें इसको इस फॉर्म में दे दिया, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर इस तरीके से दिया हो तो आप एक काम करिएगा, एक और कॉलम यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, इस तरीके से एक और कॉलम आप यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। अब चाहे यहाँ बढ़ाइएगा चाहे बीच में बढ़ाइएगा, बढ़ा लीजिएगा। और जो जीरो और दो है ना, इसके बीच का अंक निकाल लीजिएगा। कैसे? ऐसे, जैसे मान लीजिए जीरो और दो के बीच का अंक क्या होगा, एक हो जाएगा। इन दोनों के बीच, दो और चार के बीच का अंक हो जाएगा तीन, चार और छः के बीच का अंक हो जाएगा पाँच, छः और आठ के बीच का अंक हो जाएगा सात, और आठ और दस के बीच का अंक हो जाएगा नौ। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाल लिया। अब इन दोनों को आपस में गुणा करा दीजिए, एफ एक्स को गुणा करा दीजिए। कैसे? पहले यहाँ देख लीजिए, हमने बीच का अंक निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, गुणा करा दिया। थ्री वन जा थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, सात थ्री की इक्कीस, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, नाइन वन जा नाइन। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मुझे कैलकुलेशन अगर करना है तो जैसे कि फाइव थ्री जै फाइव फाइव जै ट्वेंटी सॉरी फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव मैंने कह दिया, थ्री फोर जै ट्वेल्व कह दिया, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है तो हम पंद्रह चौके साठ ही कहेंगे, फिफ्टीन फोर जै सिक्सटी, ये कहने में कंफर्टेबल नहीं होता। फाइनली हम आ ही जाते हैं जिस लैंग्वेज में हमारी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये क्या हुई, सात थ्री के इक्कीस, हम क्योंकि हमने उसी फॉर्म में टेबल याद किया हुआ है, पंद्रह पंद्रह, पंद्रह दूना तीस, पंद्रह तीन पैंतालीस, चौके साठ, पचास पचास, तो इसी फॉर्म में हमने याद किया, तो फाइनली हम वहाँ पे आ ही जाते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए, तो हमने यहाँ पे मध्य निकालना है, माध्य मीन निकालना है। तो हमें ये दो डेटा दिया गया था, क्लास इंटरवल दिया गया था और हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया था। क्लास इंटरवल से हमने इसके मध्य की बिंदु निकाल ली, इसका मध्य, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा के हमने निकाल एफ एक्स, इसको लास्ट में हम सब जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो टोटल नंबर है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ गई? नॉर्मल में भी हम यही करते थे, सबको जोड़ के डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्लास इंटरवल है तो उसके बीच का बिंदु निकाल के हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे और इन सबको जोड़ लेंगे। 12 और 3 15, 15 5 20, 20 20 40, 40 1 41 और 61, 61 9 70, सही है, करेक्ट, 70 है, बिल्कुल सही है। 70 यहाँ पे सही है, हमारे पास टोटल कितना है 70 है, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमने इसको जोड़ लिया तो हमें निकला 16, तो 70/16 हम इसको कर लेंगे, 17/16 हमें यहाँ पे हमारा माध्य निकल के आ जाएगा, अगर टेबुलर फॉर्म में दिया हो तो। तो हमने निकाल लिया 17/60, 4.38 लगभग 4, लगभग 4 हमारा क्या निकल के आ गया भाई, माध्य निकल के आ गया, लगभग हमारा 4 यहाँ पे माध्य निकल कर आ गया। अब आइए, चलिए, अब इस तरीके से आपने टेबुलर फॉर्म में माध्य दे दिया। अब टेबुलर फॉर्म में अगर हमें माध्यिका निकालना हो, टेबुलर फॉर्म में मीडियन निकालना हो, तो उसको कैसे निकालेंगे, ये भी बड़ा आसान है। अब इसको देखिए क्या करना है, ये हमें दिया गया क्वेश्चन, अगर देगा तो ये हमें दिया गया क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। अब इसको अगर हमें माध्यिका निकालना है तो हमें क्या करेंगे, इसको अगर हमें माध्यिका निकालना है तो हम एक और नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक और हम नया यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पे आप ऐड करके, इसको आप क्या कहेंगे दोस्तों, इसको आप कहेंगे सी एफ, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहेंगे सी एफ, क्यूमुलेटिव सी एफ आप लिख लीजिएगा अगर हिंदी में। अब ये क्या होता है वास्तव, इसमें आपस में जोड़ो, जैसे पाँच को हमने यहाँ पे पाँच लिख दिया, अब दस को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पंद्रह आएगा, फिर बारह को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बारह को जोड़ेंगे तो आप हो जाएगा सत्ताईस, फिर आप पंद्रह को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सत पाँच बारह दो है एक दो तीन एक चार बयालीस, फिर अट्ठारह को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, साठ आएगा। समझ में आ रही बात, एक दूसरे को ऐसे जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। हमने ये वाला डेटा निकाल लिया, देखो बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरह हमने जोड़ लिया, अब यहाँ पे सब जोड़ने के बाद अब आपको एक काम करना है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका जैसे हमने बताया था पूरे डेटे का बीच का अंक, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये जो सॉरी ये जो वैल्यू आई है 60, इसको हम दो से डिवाइड करते हैं, इसको हम एन कहते हैं, 60 इज इक्वल्स टू एन, इसको हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, एन बाई टू कर देंगे। एन बाई टू की वैल्यू कितनी आई, 60 बाई टू की वैल्यू आई हमारे पास 30 आ गई। दोस्तों जो हमारा 30 निकल कर आया है, तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि आपके सी एफ में यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 से जस्ट बड़ा कौन सा है, तो 30 से जस्ट बड़ा हमारा क्या है, 42 है। तो ये 42 है ना, तो ये हमारा वो रेंज हो जाएगा जिसके अंतर्गत हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 30 से जस्ट बड़ा कौन सा था, 42 है, राइट। अब हमें यहाँ से डेटा कैलकुलेट करना है, तो उससे के पहले हमें फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला मीडियन निकालने का होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इन टू एच। अब इसमें एल क्या है, तो जो हमने रेंज सेलेक्ट किया था उसका सबसे छोटा वाला जो होता है वो 30, मतलब इसमें जो क्लास इंटरवल का छोटा वाला है उसको लोअर रेंज कहते हैं, तो ये हमारा 30 हो गया एल, ठीक है। चलिए
अब इसके अलावा और डेटा क्या है, n बाई टू हमने ऑलरेडी 30 निकाल रखा है, निकाला कि नहीं निकाला, 60/2 हमने n/2 30 ऑलरेडी निकाल रखा है। CF क्या है भाई, जो हमारा जो 30 वाला रेंज था उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी CF कहलाती है। और F क्या है, फ्रीक्वेंसी, देखिए हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी में है ये हमारा डेटा। और H क्या है भाई, H इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, 40 माइनस 30 कितना होता है 10, तो H कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे एक बार फिर से डेटा को समझिए कि कौन सा डेटा क्या है, ठीक है। अब इसमें L क्या है भाई, जो हमारा 30 से जस्ट बड़ा आया था और जिससे हमने पूरा रेंज डिसाइड किया था, उस रेंज का सबसे जो ये वाला टर्म होगा इसमें छोटा वाला होगा, ये हमारा हो जाएगा L। n बाई टू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इन सब के सम का 2 से डिवाइड कर देंगे, n बाई टू ऑलरेडी निकाल रखा है। CF क्या होता है भाई, CF होता है जो हमारा रेंज है ना उसके जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा CF हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारा ये फ्रीक्वेंसी हो गया, H जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, ये हमारा H हो जाएगा। तो इस पूरे डेटा का जो अगर हम एनालाइज करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी, L इज इक्वल्स टू 30 दिस वन, F इज इक्वल्स टू 15 दिस वन, CF इज इक्वल्स टू 27 इसके जस्ट ऊपर का CF, और H क्या है भाई, 40 और 30 के बीच का डिफरेंस, तो ये है 10। तो हमारा ये वाला डेटा निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आइए पुट कर लें, L की जगह पर अगर आप 30 लिख देते हैं, चलिए अगले वाले पेज पर कर लेते हैं, L की जगह पर अगर आप 30 लिख देते हैं, ठीक है, 30 प्लस n बाई टू का मतलब 30 माइनस 27 15 और इनटू 10, तो ये 30 माइनस 27 3 होगा और 3 से 15 कटेगा तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 30 प्लस 2 यानी कि 32। आपका जो यहाँ पे मीडियन निकल कर आया है कितना निकल कर आया है, 32। मीडियन कितना निकल कर आया भाई, इस अंक का मीडियन कितना हो जाएगा, 32। तो इस तरीके से आपने मीडियन निकाल लिया, समझ में आ गया। तो टेबुलर फॉर्म में आपने माध्य निकाल लिया, यहाँ पे माध्यिका निकाल लिया, मीन मीडियन निकाल लिया। टेबुलर फॉर्म का बहुलक कैसे निकालते हैं इसको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अब सेम वही डेटा है और हमें इसे बहुलक निकालना है, और बहुलक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डेटा ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है। तो अब इसका मतलब, जैसे कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे हैं, 10 से 20 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं, और 30 से 40 नंबर पाने वाले 5 बच्चे हैं। अब इसमें देखिए कहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, कौन सा डेटा ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो आप कहोगे सर ये वाला डेटा हमारा ज़्यादा रिपीट हुआ है। अच्छा, ये वाला, आप पहले फॉर्मूला को देख लीजिए फिर उसके बाद पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो जो डेटा ज़्यादा बार रिपीट होता है बाबू, वो हमारा हो जाता है F1, ठीक है, ये हमारा हो गया F1, ये F1 होगा, और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वाला हो जाएगा F0 और इसके बाद वाला हो जाएगा F2। कोई दिक्कत, F1 F0 F2 समझ में आ गया। L आप ऑलरेडी जानते हैं कि इसके सामने का जो लोअर रेंज होगा L हो जाएगा, और H आप ऑलरेडी जानते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो H हो जाएगा। तो 20 और 30 के बीच का डिफरेंस, H की वैल्यू कितनी आएगी, H की वैल्यू आएगी 10। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं और आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, एक बार फिर से समझ लें। चलिए एक बार मॉड को फिर से समझ लेते हैं। पहले हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि ये हमारा मॉड का फॉर्मूला होता है अगर टेबुलर फॉर्म में दिया हो। तो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होता है वो होता है F1, ठीक है, F1 हो जाता है। अब ये नहीं देखेंगे कि उससे कम नहीं देखेंगे हम, ये नहीं, उससे उसके जस्ट ऊपर वाला, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता, 1 रहता, 2 जो भी रहता वही F1 हो जाता। तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है बच्चों वो F1 हो गया, उसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा, उसके जस्ट नीचे वाला F2 हो जाएगा। तो F0 F1 F2 और लोअर रेंज भाई, जो सबसे ज़्यादा है उसके लोअर रेंज में लोअर हो गया, और H इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जैसे कि आपने माध्यिका में भी देखा था। तो इस तरीके से आपने सारा डेटा कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमारा F0 F1 F2 और ये हमारा हो जाएगा L और ये 10 हो जाएगा H। तो L की जगह पे हमने 20 लिख दिया, और F1 की जगह पे हमने 6, F0 की जगह पे 5, और 2F1 था तो 2F1 में 2 × 6, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 25। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसका जो मॉड हो जाएगा, जो बहुलक हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो समझ गया, इस तरीके से आपने मीन मीडियन और मॉड दोनों टाइप से, चाहे वो टेबुलर फॉर्म में दिया हो चाहे वो नॉर्मल फॉर्म में दिया हो, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मीन मीडियन समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार और देखेंगे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको मीन मीडियन और मॉड समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस थे उसको हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा जो सवाल आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होता है दोस्तों, वो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना। दोस्तों ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है,
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप उसको देख के समझ आइएगा। मीन मीडियन मोड निकाल लिए और सहसंबंध गुणांक निकाल लिए तो यकीन मानिए जो आपके न्यूमेरिकल आपके सवाल फंसते हैं वो इन्हीं में से आएंगे और आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कैसा रहा ये वीडियो, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपके फीडबैक से मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट पढ़ के। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई हो तो, नहीं जुड़े हैं चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। ये सब तो मैं कहना ही भूल गया था, तो अभी कर दीजिएगा अगर समझ में आया हो, नहीं जुड़े हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी एक सपोर्ट चाहिए, एक टीम चाहिए। जैसे आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे रीच बढ़ेगी, लोगों तक जाएगा, थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी बढ़ेगा और अपना भी काम चलता रहेगा। तो कमेंट करिएगा, नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।